वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने एक बात पूछनी है डॉक्टर आसर अजमल आपसे कि एक लम्हे के लिए महाराजा रणजीत सिंह को छोड़ दें, एक लम्हे के लिए भगत सिंह को छोड़ दें, हरि सिंह नलवा को छोड़ दें, मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं। हम जब कॉलेज में थे, बल्कि एंड ऑफ स्कूल में थे, तो गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट हुआ और संत जरनैल सिंह भिंदरवा ने सिर्फ 29 साल की उम्र में, ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने एक स्टैंड लिया। उनको पोर्ट्रे किया गया गलत तरीके से एक टेररिस्ट के तौर पे, जबकि भिंदर वाले ने कभी ऐसी बात नहीं की थी जो टेररिज्म को प्रमोट करती होती। वो सिर्फ सिखों की राइट्स मांग रहे थे, आजादी नहीं, जिसको गलत मंसूब कर दिया गया। ये तो हमारे सामने शहादत हुई, गोल्डन टेम्पल के अंदर जो रेड किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था या ब्लू फॉग, ब्लू स्टार वो जब हुआ तो उसमें हजारों लोग शहीद हुए, और भिंदर वाले को, संत जरनैल सिंह भिंदर वाले को ऑफर दी गई कि वहां से भाग जाए, उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं, जान दे दूंगा भागूंगा नहीं। आज हमारे बच्चों को संत जरनैल सिंह भिंदर वाले का नहीं पता, हालांकि अमृतसर में हुआ, ठीक है ना, हिंदुस्तान में अगर पता है तो वो उसको दहशतगर्द के तौर पर, आतंकवादी के तौर पर उसका नाम पता है। ये क्यों जुल्म हो रहा है सिखों के साथ? देखें, मेरी ये फीलिंग है कि इन मॉडर्न डेज देर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। यू नो, हम लोग जो हैं, हम अपने, मैं, मुझे ये बचपन की आपने बात की तो मुझे ये भी याद है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने लीडर को अपने से बेहतर ना समझता। अगर आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे तो आप जुल्फकार अली भुट्टो को एक अजीम लीडर समझते थे। अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थे तो आप मुफ्ती मौलाना मुफ्ती महमूद को एक अजीम लीडर, अगर आप जमात इस्लामी के साथ थे तो मौलाना मौदूदी को आप एक अजीम लीडर समझते थे। इस वक्त हमारे पास एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। वी डू नॉट ट्रस्ट आवर लीडर्स एंड आवर लीडर्स आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। ये जो एक इक्वेशन या एक, मैं कहूंगा, एक अजीब सी इक्वेशन बनी है कि हम में से अगर किसी से भी पूछा जाए कि आपका जो भी लीडर है, क्या आप अपने आप को उससे बेहतर इंसान समझते हैं या उसको अपने से बेहतर समझते हैं, तो आपके ख्याल में आपका क्या जवाब होगा? आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, क्या आपको अपना कैरेक्टर उनसे बेहतर लगेगा या उनका कैरेक्टर आपको अपने से बेहतर लगेगा? तो ये, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू लीव विद यू एंड विद द ऑडियंस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये ट्रस्ट नहीं होता तो फिर लीडर्स रूल कैसे कर सकते हैं, गवर्न कैसे कर सकते हैं? मेरा जो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है एज ए ट्रेनर, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ आजकल, यू नो, स्पेशली फोकसिंग ऑन लीडरशिप, तो वहां पे जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कि जनाब, हर लम्हे जब ट्रस्ट की बात होती है तो लोग कहते हैं जी ट्रस्ट की बात ना करें, क्यों कि ट्रस्ट हमारे माशरे में ना है ना हो सकता है। वेयर एज यू हैव द एग्जाम्पल्स, यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर्स, चाहे आप भिंडरांवाला की बात करें, चाहे आप रणजीत सिंह की बात करें, चाहे आप हमारी अपनी हिस्ट्री नॉट सो लॉन्ग अगो की हिस्ट्री की बात करें, हमारे जो लीडर्स थे वो ट्रस्ट एग्ज्यूड करते थे, वो ट्रस्ट रेडिएट करते थे, वो ट्रस्ट इंस्पायर करते थे। अब आप किसी एक लीडर का नाम ले रहे थे, मैं कहूंगा दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नेम मी वन पर्सन जिसे आप कह सकेंगे ये मुझसे बेहतर है दावे के साथ। आई थिंक दैट इज द क्राइसिस वी आर फेसिंग एंड वी नीड टू टॉक अबाउट पीपल लाइक रंजीत सिंह कि जी इस धरती पे ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ धर्मों को, मुख्तलिफ रिलीजन्स को साथ लेके चला जाए। ये नहीं है कि जी एक चर्च जल रहा है और आप डर रहे हैं कि तालिबान को हम बुरा भला ना कहते हैं, कहीं गलती से कोई लफ्ज जो है हमारे मुंह से निकल ना जाए। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो है अभी तक दहशतगर्द करें, नाम नहीं ले रहे, डर रहे हैं। किस चीज से डर है? अब कराची से ज्यादा, आई वेंट टू कराची द डे आफ्टर द इंसिडेंट एंड आई टेल यू कि अगर ये हमारे मुल्क का हाल इन लोगों ने कर दिया है और हम अभी भी, वो लीडरशिप कहाँ है?